राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के विरोध में कर्णी सेना ने राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्णी सेना ने दोषियों को खुद सजा देने की बात भी कही। कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे देश में राजपूत कर्णी सेना के सदस्यों ने देश भर में राजस्थान शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल के एमपी नगर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित कर्णी सेना के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। सेना का कहना है कि जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कर्णी सेना खुद उन दोषियों को सजा देगी। राजस्थान में कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगाणी की हत्या के बाद पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन चालू हो गया और इसी विरोध को लेकर यहां राजधानी भोपाल में भी न्यू एमपी नगर चौराहे पर जो है प्रदर्शन कर रही है कर्णी सेना। आइए हम तो बात करते हैं। जी भाई साहब, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है कि दोषियों का इनकाउंटर किया जाए, उनको तत्काल पकड़कर दोषियों का इनकाउंटर किया जाए। यदि वहाँ का शासन प्रशासन नहीं कर सकता तो उसकी जवाबदारी हम दें। हम खून का बदला खून से लेंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने उनकी जो सुरक्षा, उनसे भी मांग की गई थी और जो वर्तमान सरकार जो बनने जा रही है उसके बारे में भी उनका रवैया सदैव उनके पक्ष में नहीं रहा। कानून व्यवस्था वहाँ लगभग पूरी तरह बिगड़ चुकी है। पिछले कई सालों से हमारे राष्ट्रीय नेताओं की राजस्थान में हत्या हो रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी कानून व्यवस्था इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। क्या अगला कदम क्या होगा कर्णी सेना का? उग्र आंदोलन जारी रहेगा तब जब तक दोषियों के ऊपर उनका एनकाउंटर ना हो जाए। यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? सजा उनको बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर नहीं कर सकती है तो पुलिस हमारे समाज के सुप्रत छोड़ दे, हम खुद उससे निपट लेंगे। सुखदेव सिंह कोई मामूली आदमी नहीं थे, राजपूत समाज के हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े लीडर थे। सुखदेव सिंह जैसे व्यक्ति जो 3 साल से अशोक गहलोत से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उनको 2 दिन के लिए सुरक्षा दी और हटा ली। हम ये जानना चाहते हैं अशोक गहलोत से कि सुरक्षा दी थी तो हटाई क्यों, और हटाई तो किसके कहने से हटाई, इसका जवाब अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। देखिए, जो न्याय न्याय चाह रहे हैं पूरा राजपूत समाज, अन्याय जो हुआ है और आज जो है हमारे प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस प्रकार से गोली मारकर हत्या की गई, तो उनका बदला हम गोली से लेंगे। और प्रशासन हमारी तरह जो प्रशासन ने हमें जो मदद की है अभी कि अभी तक 2 लोग पकड़ाए गए हैं और उनको फांसी की सजा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, और अगर नहीं दे पा रही है सरकार उन्हें फांसी की सजा तो कर्णी सेना और राजपूत समाज खुद देख लेगा। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।